पढ़ाएंगे तो एक हज़ार पे हम काम कर रहे हैं तो ताकि वो सरकार ये किसी पॉलिसी के अंडर लगी थी ना एक हज़ार में उसमें है कौन बनाया बढ़ाया बढ़ा तो कोई सकता नहीं ना इसमें जो पॉलिसी बनाने चार हज़ार रुपया जो सैलरी है और एक मजदूर की दे देंगे अभी जो आया लगी है उनकी पाँच पाँच हज़ार रुपया है पूरी बेचारे की तैतीस रुपये पर ये आई है देखो मैं इस वक्त अवरेज हो रहा हूँ मैं 2002 में लगा था तो अब अवरेज हो रहे हैं हम इसी कुक में एक हज़ार में खत्म हो गए हैं आपके मैं खुद एक शेयर करता हूँ एसडीएम साहब कुकू की तनख्वाह बढ़ानी है तो बढ़ा दो दुनिया के चमन में कुकू की तनख्वाह कब बढ़ाओगे जब कुकू की लाशों की कफन में वो तो ठीक है लेकिन एसडीएम साहब के हाथ में नहीं है ना बढ़ाना कि ये 2005 जीएस लगी हैं सियां सब कुका कोई बेवा मड़ियां पेना ओ भी इथे 30 रुपए पर गुजारा करनी है 30 रुपए असली 30 रुपए नहीं ते सवेरे अस जनी है 11:30 12 बजे 11:30 ते 3 बजे जने अस स्कूल च कोई असन इतना हाई दिन तक पहले हले ची 4th क्लास च रखसा आई दिन तक असन इतना नहीं बढ़ाई ते 30 रुपए विच अस बाल बच्चे ना क्या करा अस ना गुजारा नहीं होई सकना साडी तनखा बधाई जे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने है कि असन इतना बदो अस नाल इंसाफ करो हां जी अर्ज़ है कि असन इतना जड़ी है वो बढ़ाई जाए 30 रुपए अस की दिन देन ते अस ने छोटे छोटे बच्चे हैं 100 रुपए दिन विच एक बच्चा खाना है 30 रुपए अस को मां अगर 30 रुपए विच क्या बनना है इसलिए अस ने और कोई रिक्वेस्ट नहीं है यही रिक्वेस्ट है कि साडी तनखा जड़ी है वो बढ़ाई जाए नहीं हम इसमें ये कहेंगे कि जी हमने 2018 में जम्मू में भी बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग की लेकिन हमारा आज तक कुछ ने कुछ नहीं किया अब उसके बाद हमने डीसी साहब को भी कहा उन्होंने भी कुछ नहीं किया पिछले दिनों में हमारे सुरती में मीटिंग थी वहाँ ZDO साहब प्रिंसिपल साहब वहाँ गए हुए थे वहाँ पर उन्होंने मैं कहा उनके उनके आगे मैंने बहुत ऐसी बातें कही कि हम 33 रुपये पे सुबह जाते हैं 11 बजे और शाम 3 बजे तक फारूक होते हैं अपने स्कूलों से और हम अवरेज हो रहे हैं इसी कुक में से आज दिन तक हमारा किसी गवर्नमेंट ने किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा इसे हम ये कहते हैं कि आप जो लोग हैं हमारी हेल्प करें हमारे साथ रहें जो हम गरीब तबका के लोग हैं हमें भी एक मजदूर की पेमेंट दी जाए अगर मजदूर की नहीं देते तो ये बात करें कि हमारी कुछ 1000 से हमारा कोई गुजारा नहीं होता है हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे इसलिए आप सब मेंढर वालों की तरफ से सब कुकों की तरफ से मैं ये कहता हूं कि हमारी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए इलाका में जो कुक हैं ये नहायत ही दुख वाली दास्तान इन्होंने सुनाई कि एक कुक जो है वो 30 रुपये पर डे उनको रेडियो मिल रहा है तो इनसे जो काम लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है हम LG इंतज़ामिया से और एजुकेशन के हायर डायरेक्टर साहब हैं या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं उनसे हमारी आवाम की तरफ से गुजारिश है कि इनके बारे में सोचा जाए और काफ़ी देर से सरकार ने ये कहा था कि इनको 1000 से बढ़ाकर 4000 मिलेगी वो इसी इंतज़ार में कुछ तो अवरेज हो गई हैं बेचारी कुक तो ये समाज और सोसाइटी की तरफ से भी हम सरकार को ये बावर कराना चाहते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए 30 रुपये क्या उनकी सैलरी पर डे है तो इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है हम भी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इनके बारे में सोचा जाए और इनकी रेडियम जो है बढ़ाया जाए बहुत शुक्रिया सरकार के सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरा मन ये जो कुक आए हैं इन्होंने अपनी फरियाद रखी तो हमारा भी समाज सोसाइटी का ये कहना है कि इनके जो ये इतनी कम इनको 30 रुपये जो सैलरी है ये बहुत ही कम है तो इनके साथ इंसाफ किया जाए शुक्रिया मैं नायब सरपंच पंचायत ग्लोताकांडी से प्लस इंटरनेशनल क्राइम कमीशन ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर तहसील मेंटर भी हूँ मैं यही सरकार से गुजारिश करूँगा कि खासकर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और गवर्नर जी से और डिपार्टमेंट एजुकेशन डायरेक्टर साहब से बाला सतह से लेकर नीचे वाली सतह तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे यही कहूँगा
कि इन बच्चियों को कुक जो यहाँ मौजूद हैं इनको इनका हक दिया जाए। सबसे पहले तो हिंदुस्तान के बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये जम्मू कश्मीर का लास्ट तहसील मेंढर जो है लास्ट बॉर्डर का हिस्सा है, तो इन बेटियों को पढ़ाना बचाना की बात है। और 1000 रुपया जो कि इनकी सैलरी है वो 1000 रुपया इनको एक एक साल तक मिलता नहीं है। सुबह 8 या 10 बजे स्कूल में जाते हैं, 4 बजे इनको छोड़ते हैं। लिहाजा या तो इनको स्कूलों से निकाल दें, बेचारे रोडों पर चढ़ के भीख मांगे, या तो कम से कम भी इसकी सैलरी 10000 होनी चाहिए। अभी तक कुछ बीच में बेवा है, ठीक है, वो अपने घर चलाएंगे 1000 में या स्कूल को जाके देखेंगे या किसी और चीज़ को देखेंगे। तो मैं उम्मीद रखा हूँ एसडीएम साहब मेंढर डीसी पुंछ को कि जल्द से जल्द इनकी जो है जायज़ जमा पूरी हो जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक्स लगी थी जो खाना वाना बनाने के लिए, 1000 इनका मंथली जो है इनको ऑनरेडियम एज मिलता था, तो वही एक डेपुटेशन आज इधर आई थी, उन्होंने कहा जी हमारा ये 1000 रुपये से हमें गुजारा नहीं चलता, हमारा काम है, एक मेमोरेंडम दी है। तो एसडीएम के पास ऐसा सच कोई पावर नहीं है वो बढ़ाने की, उनका अमाउंट बढ़ाने की, बट जो मेमोरेंडम है उनका वो हम जो है कंसर्न हायर अथॉरिटीज़ को भेज दें।